गुड मॉर्निंग किड्स, आज हम आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ाएंगे। क्या सिखाएंगे आज हम आपको? व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। गुड मॉर्निंग किड्स, आज हम आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि सिखाएंगे। समझ आया? क्या सिखाएंगे? व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो चलिए पहले हम व्यंजन संधि देखते हैं। जब परस्पर मिलने वाले शब्दों में से पहले शब्द। गुड मॉर्निंग किड्स, आज हम आपको व्यंजन संधि सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे बच्चों? व्यंजन संधि सिखाएंगे। तो व्यंजन संधि क्या होती है? जब आपस में मिलने वाले दो शब्द में से पहले शब्द का कोई भी, जो भी हमारा पहला शब्द है उसके अंत में व्यंजन आ रहा हो और दूसरे शब्द के शुरू में कोई स्वर आ रहा हो, कोई स्वर या फिर व्यंजन आ रहा हो, तो उन दोनों के बीच में होने वाले मेल को हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। जब परस्पर मिलने वाले, मतलब जब आपस में दो शब्द मिल रहे हैं तो उनमें से जो पहला शब्द है उसके अंत में क्या आ रहा हो बच्चों? व्यंजन आ रहा हो, और जो दूसरा शब्द है उसके शुरू में या तो स्वर आ रहा हो या फिर व्यंजन आ रहा हो, ऐसे शब्दों का जब मेल होता है तो उससे कौन सी संधि बनती है? व्यंजन संधि बनती है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्या है? जब परस्पर मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन और दूसरे शब्द के शुरू में कोई स्वर या व्यंजन हो, तो इनके बीच होने वाले मेल को क्या कहते हैं बच्चों? संधि विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। समझ आया आपको? चलिए देखते हैं। तो क्या डेफिनेशन थी? जब परस्पर मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन और दूसरे शब्द के अंत में क्या, कोई स्वर या व्यंजन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उनके बीच में जो मेल होता है उसको हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। चलिए जैसे हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हम उसको देखते हैं। ओके, तो बच्चों आप देख रहे हैं जो पहला शब्द लिखा है उसमें जो लास्ट लेटर है हमारा उस पे देखिए का बना हुआ है, और का हलंत में बना हुआ है। इसका मतलब वो जो अक्षर है वो कैसा है? आधा है। ठीक है, तो आधा अक्षर होता है तो उसके पीछे तो आ की साउंड नहीं आती है, तो यहाँ पर पहले क्या आ रहा है बताइए? व्यंजन आ रहा है। जो उसका पहले शब्द का अंतिम जो अक्षर है वो क्या है बच्चों? व्यंजन है। अब हम दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर है उसको देखेंगे। अब बताइए दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या है? आ, जो कि क्या है? स्वर है। क्या है बच्चों? स्वर है। समझ आया आपको? तो इसमें क्या हुआ? पहले शब्द का व्यंजन मिला और दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या था? स्वर था। पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या था? व्यंजन था। पहले शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन था और दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या था बच्चों? बताओ, स्वर था। तो शब्द कौन सा बना? दिगंबर। कौन सा शब्द बना? दिगंबर। कैसे पता चला? दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, उन दोनों शब्दों को मिलाकर क्या बनता है बच्चों? दिगंबर। ओके, चलिए अगला शब्द देखते हैं। अब हमारा सत प्लस आचार। अब देखिए जो आपका सत लिखा हुआ है उसमें जो अंतिम अक्षर है वो क्या है बच्चों? ता। ता क्या होता है? व्यंजन होता है। आप देख सकते हैं आधा ता है। और जो हमारा दूसरा शब्द है उसका जो पहला शब्द है वो क्या है? आ, आ है ना, और आ क्या होता है? स्वर होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? ता प्लस अ का मेल हुआ। तो ठीक है, तो ता और आ मिला तो क्या बना? द। ठीक है, तो क्या हो गया? सत धन आचार। क्या हुआ यहाँ पर? सत धन आचार। इन दोनों को मिलाकर क्या बना? सदाचार। समझ आया आपको? सत धन आचार मिलाकर क्या बना? सदाचार। जब हमने ता, आधा ता प्लस क्या मिलाया है? अ, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया है हमारा? दा। क्या बना है बच्चों? दा। तो शब्द क्या हो गया? सदाचार। ओके, चलिए अब हम अपना अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द क्या है हमारा?
तो अगला शब्द है सत प्लस साहस, सत प्लस साहस। तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ आधा ता है और पीछे भी क्या है, व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है, सा व्यंजन है। उसका जो अंतिम शब्द है पहले अक्षर का वो आधा ता है और दूसरा शब्द है जो पहले जो दूसरे शब्द का पहला व्यंजन है वो क्या है, सा है। तो शब्द इन दोनों को मिलाकर क्या बना बच्चों, सत साह। तो बच्चों जो हमारा तीसरा शब्द है वो क्या है, सत प्लस साहस, मतलब क्या बनता है, सत साहस। इसका पूरा पूरा जो शब्द है वो क्या है, सत साहस। तो इसमें आधा ता प्लस सा, मतलब जो हमारा पहला शब्द है उसका जो अंतिम अक्षर है वो क्या है, व्यंजन है। और जो हमारा दूसरा शब्द है उसका जो पहला अक्षर है वो क्या है, वो भी व्यंजन है। तो इन दोनों को मिलाकर जो शब्द बना वो क्या बना बच्चों, सत साहस। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला जो शब्द है हमारा वो है सतमार्ग। क्या है, सतमार्ग, सत प्लस मार्ग, सम्मार्ग। क्या बन गया, सत प्लस मार्ग, मतलब क्या हुआ, सम्मार्ग। तो इसमें किसका मेल हुआ है बताओ मुझे, ता प्लस मा, किसका मेल हुआ है, आधा ता प्लस मा। तो दोनों ही क्या है बच्चों, व्यंजन है। और इससे कौन सा शब्द बना है बताओ, सम्मार्ग। समझ आया, चलिए अब हम अपना अगला शब्द देख। तो बच्चों अगला शब्द है जगत प्लस ईश्वर। क्या है, जगत प्लस ईश्वर। तो देख सकते हैं इसमें जो हमारा अगला शब्द क्या है वो है ता, ठीक है, उसके बाद जो प्लस है फिर उसके बाद क्या है ई। तो जो ता है वो क्या है, व्यंजन है, और जो ई है वो क्या है, स्वर है। तो इसमें किसका मेल हुआ है, स्वर प्लस व्यंजन का मेल हुआ है। और इन दोनों को मिलाकर क्या बना है बच्चों, दी बना है। क्या मिला है, क्या बना है, दी। ता प्लस ई को मिलाया तो दी बना है। क्या बना बच्चों, दी। तो शब्द क्या बन गया हमारा, जगदीश्वर। क्या बना, जगदीश्वर। समझ आया, चलिए अगला देखते हैं। तो अगला शब्द है हमारा सत धन जन, सत प्लस जन। तो सत प्लस जन को मिलाकर बना सज्जन। तो अब इसमें हमने क्या मिलाया है, ता प्लस जा। क्या मिलाया है, ता प्लस जा। और ता प्लस जा पर मिलाने पर जो ता है वो प्लस जा प्लस ज, बगल मतलब डबल जा हो गया। समझ आया, तो क्या बन गया, सज्जन। समझ आया, तो जो जा के साथ जा, ता के साथ जा मिला तो क्या बन गया बच्चों, सज्जन। समझ आया, चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारा बताओ क्या है, दिग प्लस गज, दिग प्लस गज। तो इसमें क्या मिलाया है हमने, का था प्लस क्या किया है बताओ, गा किया है। तो का प्लस गा है, इन दोनों को मिलाकर पता है क्या बना, गा प्लस ग, मतलब बना गा बना। क्या बना बच्चों, आधा गा और पूरा गा बना। तो इससे शब्द कौन सा बना, दिग्गज। क्या बना शब्द, दिग्गज। इसमें इन दो शब्दों का मेल हुआ है तो क्या बना, आधा गा पूरा गा। तो शब्द क्या बना, दिग्गज। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द जो है हमारा वो है उत्तधन ज्वल। क्या है, उत्तधन ज्वल। तो इसमें क्या है, जो हमारा आधा शब्द है वो क्या है बच्चों, ता है, और उसके बाद जो हमारा प्लस, उसके बाद जो शब्द है वो क्या है, आधा जा है। तो आपने ऊपर जब हमने पहले एक इस वाले में देखा था तो जब हमने ता प्लस जा मिलाया था तो जो ता था वो आधा जा में बदल गया था। अब यहां पर क्या होगा बताओ, जा आधा जा इसका और आधा जा ये, तो कितने जा हो गए, आधे, डबल। तो इस शब्द में आप देख सकते हैं दो जा हैं, तो क्या बना बच्चों, तो क्या बना बच्चों, उज्ज्वल। क्या बना, उज्ज्वल। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द क्या है, जगत प्लस गुरु, जगत प्लस गुरु। और आपको पता है जब हम ता और गा को मिलाते हैं तो क्या बनता है बताइए, गद। ठीक है,
तो इसमें हमने क्या मिलाया है, ता मिलाया है, प्लस क्या मिलाया है बताओ, ग। तो हमारा जो शब्द है वो क्या मिलाया है हमने, ता प्लस ग। तो मिलाकर क्या बना है बताओ, ग प्लस द। उन दोनों को मिलाकर क्या बना, तो ऐसे ही जगत प्लस गुरु जगत गुरु, क्या बने बच्चों, जगत प्लस गुरु जगत गुरु। उसके बाद अगला शब्द है हमारा उत धनलास, क्या बना, उल्लास। ता प्लस ला, ता से क्या बन गया, आधा ला, उल्लास। ता प्लस ला ये बना, तो क्या बना बच्चों, उल्लास। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द जो है हमारा वो है उत धन घाटन, क्या, उत धन घाटन। तो ता को क्या क्या किसमें बदला, ये दा में बदला, तो क्या बन गया बच्चों, उद्घाटन। समझ आया, चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है उद प्लस साहा, उद प्लस साहा, तो कौन सा शब्द बना, उत्साह, उद प्लस साहा उत्साह। चलिए अगला शब्द देखते हैं, शरत प्लस चंद्र, शरत प्लस चंद्र, इसमें भी आधा ता प्लस चा मिला, तो क्या बन गया, शरत चंद्र, शरत चंद्र, क्या बोलेंगे इसको हम, शरत चंद्र। चलिए उसके बाद अगला शब्द है हमारा सदधन कार, क्या है, सदधन कार। तो बच्चों क्या शब्द बना है, सत्कार, कौन सा शब्द बना है, सत्कार, सदधन कार सत्कार। चलिए अगला शब्द देखते हैं, उसके बाद है जगत प्लस नाथ, तो जगत प्लस नाथ से क्या बना बच्चों, जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। समझ आया, चलिए उसके बाद अगला शब्द है सत धन भावना, तो उससे क्या बना है, सद्भावना, इसमें भी ता का क्या हुआ बताओ, ता प्लस भा मिला इस वाले शब्द में भी, और क्या बन गया, ता का आधा वा आधा द प्लस भा, तो भा तो है यहाँ पर, ता की जगह क्या बना, आधा द। समझ आया, चलिए चलिए, तो सत प्लस भावना सद्भावना। चलिए अब हम अपनी अगला, तो बच्चों आपको व्यंजन संधि समझ आई, तो व्यंजन संधि क्या होती है, व्यंजन संधि वो होती है जिसमें दो शब्दों का मेल होता है, तो आपको पता ही है संधि में दो शब्दों का मेल होता है, पर व्यंजन संधि वो होती है जिसका पहला शब्द जो है उसके अंत में, पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन, जो पहला शब्द का जो अंत है उसमें तो कोई व्यंजन ही होगा, लेकिन जो उसका दूसरा शब्द है दूसरे शब्द के पहले पहला जो वर्ण होगा वो क्या होगा, या तो कोई स्वर होगा या फिर कोई व्यंजन होगा, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, व्यंजन संधि कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। तो आपको व्यंजन संधि समझ आई, क्या होती है बताइए मुझे, पहले मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण कोई व्यंजन होना चाहिए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई स्वर या व्यंजन होना चाहिए, तो इससे क्या बनती है, व्यंजन संधि बनती है। तो बच्चों मैंने आपको व्यंजन संधि के 16 एग्जाम्पल्स कराए हैं, कितने एग्जाम्पल्स सिखाए हैं, बुक में जितने दिए हैं 16 एग्जाम्पल्स, तो आपको वो सारे एग्जाम्पल्स अपनी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में लिखने हैं। समझ आया, क्या करना है आपको, आज होमवर्क में हिंदी ग्रामर की नोटबुक में 1 to 15 एग्जाम्पल्स लिखने हैं, किसके, व्यंजन संधि के। एक बार फिर से बोलती हूँ, ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, आपको व्यंजन संधि के 1 to 50 एग्जाम्पल्स अपनी नोटबुक पर लिखने हैं। ओके, कैसी राइटिंग में, साफ और सुंदर राइटिंग में। समझ आया, चलिए गुड बाय।